दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, हम जो आगामी वैकेंसी आने वाली है अपनी 1,30,000, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर पद हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें चार प्रकार के दोस्तों पद हैं। सबसे पहले नंबर हमारा है NTPC, ठीक है दोस्तों। NTPC में कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ नेक्स्ट प्रकार का पद है हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ में दोस्तों आप लोग सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मेडिकल की दोस्तों यहाँ पर डिग्रियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी आती है, वो आती है हमारी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। मतलब दोस्तों आपके जो टाइपिस्ट होते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर होते हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट होते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर होते हैं दोस्तों, इसमें ये लोग यहाँ पर अपने अपने पद के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफाई दोस्तों योग्यता के अनुसार आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेबन वन पोस्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें चार चौथे नंबर पर दोस्तों हमारा लेबन वन पोस्ट है। दोस्तों सबसे अधिक वैकेंसी इस बार इसमें है दोस्तों, 1,00,000 वैकेंसी है, ठीक है। आप दोस्तों देख सकते हैं 1,00,000 वैकेंसी दोस्तों बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी हमारी 62,000 दोस्तों पोस्ट पर दोस्तों प्रक्रिया चल रही है, दोस्तों उसका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। उम्मीद है तो दोस्तों आपका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर फरवरी के दोस्तों यानी 27 या 28 फरवरी को आपका रिजल्ट घोषित कर सकता है रेलवे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो लेवल वन पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप लोग यहाँ पर कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले या फिर 10 पास वाले, ठीक है। दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है ये, अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि ITI वाले ही दोस्तों अगर अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत से दोस्तों कैंडिडेट हैं जो लोग इस बार ग्रुप डी का दोस्तों यहाँ पर आशा लगाए हुए हैं, दोस्तों उनके साथ यहाँ पर धोखा हो सकता है और दोस्तों यहाँ पर फायदा मिल सकता है ITI वालों को। दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों एक ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस निकाला गया था कुछ दिन पहले हमारा दोस्तों यहाँ पर रेलवे द्वारा, मैं आपको दोस्तों पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा ये रेलवे भर्ती सेल दोस्तों इस बार आपका ग्रुप डी भर्ती के लिए दोस्तों प्रक्रिया है जो कि RRC करेगा, ठीक है। दोस्तों RRC के दोस्तों यहाँ द्वारा यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 1,00,000 वैकेंसी भरा जाना है इस बार, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी हमारा RRB द्वारा भर्ती किया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार दोस्तों आपका RRC द्वारा यहाँ पर ग्रुप डी प्रक्रिया पूरी की पूरी दोस्तों चयन करेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती सेल स्टेशन कॉलोनी गुवाहाटी द्वारा दोस्तों ये हमारा नोटिस निकाला गया था कुछ दिन पहले, आपको दोस्तों पूरा पूरा जानकारी देने वाला हूँ ITI वालों की और दोस्तों यहाँ पर 10 पास वालों की कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कर दिया गया है कि रेलवे में आपकी लेवल 1 की पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षिक योग्यता, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार का आपको पद यहाँ पर निकलने वाला है 1,00,000, ठीक है। दोस्तों बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आप सभी के लिए। रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों में पे मैट्रिक के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC, सॉरी यहाँ पर NAC, हाँ सही है, सहित 10वीं उत्तीर्ण। देखिए दोस्तों आपको NAC के सहित 10वीं उत्तीर्ण या फिर ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कर दिया है कि आप लोगों के पास NAC के साथ 10वीं पास हो और ITI के साथ आप लोग 10वीं पास हो, ये आपके यहाँ पर लेवल 1 पोस्ट के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये बताया गया है, हालांकि रेलवे में तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार क्रमांक 2/2018, दोस्तों आपकी जो चल रही प्रक्रिया उसी का एक क्रमांक है 2/2018 के तहत प्रकाशित अनुसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC या ITI या समकक्ष रखी गई है। दोस्तों आपके लिए साफ साफ कह दिया गया है कि आपके पास NAC के साथ दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट हो, आप नेशनल अप्रेंटिस हो दोस्तों आपके पास, या फिर ITI के साथ दोस्तों आप लोग 10वीं पास हो, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है वही लोग लेवल 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल 1 बार की व्यवस्था थी। दोस्तों आपको पता है कि रेलवे में पहले फरवरी में पिछली साल दोस्तों यहाँ पर ITI से बहुत सी पोस्टें निकली थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसमें छूट दी गई दोस्तों, हमारे रेल मंत्री द्वारा यहाँ पर साफ साफ कह दिया था दोस्तों, लोगों ने आंदोलन किया था, इसलिए यहाँ पर साफ साफ 10 पास हमारा पूरा पूरा सभी सभी पोस्टों के लिए अप्लाई दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल कर दिया था, ठीक है। उसी के दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल 1 बार की व्यवस्था थी, ठीक है, पिछली बार की व्यवस्था थी। केंद्रीकृत रोजगार क्रमांक 2/2018 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है, ठीक है।
रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभागों में पे मैट्रिक्स लेवल वन में भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI उत्तीर्ण, ITI सहित 10वीं पास उत्तीर्ण ही होगी। दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि आपके पास दोस्तों NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ 10वीं पास होनी चाहिए या फिर ITI होनी चाहिए और उसके साथ 10वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं अध्यक्ष रेलवे भर्ती सेल, दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोग पूर्वोत्तर सीमा रेलवे। दोस्तों आप साफ साफ कह सकते हैं कि इस बार दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ उलट फेर होने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत से दोस्तों कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे और उनके साथ दोस्तों धोखा हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर थोड़ा दिन का वेट कर लीजिए जब तक कि दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। दोस्तों इसमें तो सब सब कह दिया है कि ये लेवल वन पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर ITI या फिर दोस्तों NAC सहित आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है दोस्तों हम लोग आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।